Hello everyone, welcome to AD's Kitchen and Blog. आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और जन्माष्टमी गणेश चतुर्थी की तैयारियों में लगे होंगे। तो गणेश चतुर्थी भी आने वाली है और 24 तारीख को जन्माष्टमी है। तो इंडिया में तो हमेशा कोई ना कोई त्यौहार लगा रहता है। बाहर रहते हैं तो हम भी कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत जितना हो सके हमसे उतना हम यहाँ पे हर त्यौहार सेलिब्रेट करें। तो आज मैं आपके साथ एक स्वीट रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ, जिसे आप जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी या फिर कोई भी त्यौहार या फिर नॉर्मली आप घर पे कभी भी आपको मीठा खाने का मन करे तो आप बना सकते हो। तो आज हम बनाने वाले हैं नारियल और मिल्क पाउडर से बर्फी। एक बात मुझे आज आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि जब भी हम कोई रेसिपी बनाते हैं तो हम उसका मेजरमेंट कप्स में बताते हैं। अगर आपके पास मेजरिंग कप्स नहीं है तो आप घर में जो बाउल यूज़ करते हो वो ले सकते हो या फिर चाय पीने वाला कप यूज़ कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखिए जो भी मेजरमेंट है वो सेम कप और सेम बाउल से ही होना चाहिए। मतलब अगर किसी रेसिपी में मैं आपको बोल रही हूँ कि 1 कप, हाफ कप, इसका मतलब है कि आप जिस भी चीज़ से मेजर कर रहे हो उसी कप का हाफ कप और उसी कप का 1 कप। ये चीज़ें कुछ आप ध्यान रखोगे तो आपकी रेसिपी बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी ही बनेगी। और साथ ही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं बताती रहती हूँ वो भी आप ज़रूर फॉलो करिएगा। और मसाले कभी कभी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, चीनी और नमक भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। मसालों या सब्ज़ियों से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को दही से एलर्जी होती है कई लोगों को, तो आप अगर मैं कभी दही या फिर कोई मसाले ऐसे दे रही हूँ जिनसे आपको एलर्जी है तो आप उन्हें स्किप कर सकते हो। तो चलिए आज की बर्फ़ी की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। कोकोनट मिल्क पाउडर बर्फ़ी के लिए यहाँ पे हमने 2 कप कोकोनट लिया है ग्रेटेड। तो सबसे पहले हम कोकोनट को ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे हम 1 कप मिल्क ले रहे हैं तो प्रोपोर्शन आप ध्यान रखिए, 2 कप अगर कोकोनट है तो 1 कप हम मिल्क लेंगे। तो मिल्क हम थोड़ा थोड़ा दे के कोकोनट को ग्राइंड कर लेंगे। मैंने 2 से 3 बार में इसे ग्राइंड किया है क्योंकि मेरा जार जो था वो छोटा था। आप चाहे तो बड़े जार में भी इसे कर सकते हो। ये देख लीजिए आप इसका टेक्सचर कोकोनट का, तो इसी तरह का होना चाहिए। बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है इसका हमें, जस्ट हमने इसे थोड़ा बारीक कर लिया है। अब इसमें हम मिल्क पाउडर दे देंगे 1 कप और 1 ही कप मैंने यहाँ पे शुगर ऐड किया है। इन सबको मिक्स कर लेंगे और अब हम ओवन का फ्लेम ऑन कर देंगे और इसे हमें लगातार चलाते हुए गाढ़ा करना है। ये देखिए शुगर मेल्ट हो चुका है, इसे हमें तब तक गाढ़ा करना है जब तक इसका जो पानी है वो सूख ना जाए पूरी तरह से। इसे बनाते समय पैन जो है वो थोड़ा बड़े साइज़ के लीजिए क्योंकि जब ये पानी सूखता है तो कई बार वो इसके छींटे भी ऊपर आते हैं। देखिए ये गाढ़ा हो चुका है, जब तक ये थोड़ा स्टिकी स्टिकी ना हो जाए तब तक आप समझ लीजिए ये तैयार नहीं हुआ और ये एक जगह इकट्ठा होने लगता है। अब हम इसमें इलायची पाउडर दे देंगे, फिर से इसे मिक्स करेंगे। देखिए ये एक जगह इकट्ठा होने लगा है और स्टिकी स्टिकी भी हो रहा है। इसे बनाने में मुझे 15 से 20 मिनट लगा है। तो ये देखिए ये लगभग तैयार हो चुका है। अब ओवन का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे कुछ सेकेंड इसी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसे जमाने के लिए हम एक ट्रे का यूज़ करेंगे। आप चाहे तो इसे प्लेट में भी या थाली में जमा सकते हो। मैंने नीचे बटर पेपर लिया है तो अब बटर पेपर की हेल्प से हम इसे थोड़ा मसल मसल के चिकना कर लेंगे।
ऐसा करने से जो बर्फ़ी का टेक्सचर है वो बहुत ही स्मूथ रहता है और ये ठंडा होने के बाद भी सॉफ्ट सॉफ्ट इसका टेक्सचर रहता है। देखिए ये कितना चिकना हो गया है, अब इसे सेट करना इजी हो जाएगा। ऊपर से हम एक और एक बटर पेपर लेंगे और उससे हम इस तरह से फैलाते हुए बर्फ़ी को पूरा सेट कर देंगे ट्रे के ऊपर। अगर आपको बर्फ़ी की थिकनेस थोड़ी ज़्यादा चाहिए तो आप उस हिसाब से इसे फैलाइए। अब ऊपर से हम ड्राई फ्रूट्स दे देंगे, यहाँ पे मैंने पिस्ते और बादाम थोड़े से कूट लिए थे वो दिए हैं। आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हो और चाहो तो आप बिना ड्राई फ्रूट्स के भी ये बना सकते हो। और इसे फिर से हमें बटर पेपर से सेट कर लेना है और ठंडा हो जाने के बाद इसके हम पीसेस कट कर लेंगे। देखिए ये कितने आसानी से निकल गए हैं और ये सॉफ्ट भी है, इनका टेक्सचर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।